हे गाइस, आज आपके लिए लेकर आए हैं BGMI अकाउंट बाई एंड सेल चैनल। इस चैनल पर आपको मिलेंगे चीप से चीप अच्छे से अच्छे अकाउंट। यहाँ पर आपको अरे भोसड़ी वालों, तुमको दिमाग की जगह दिमाग है या उसमें गोबर भरा पड़ा है? तुमको आसपास की चीज़ें देख के भी समझ नहीं आता क्या कि ये जो चुतिया तुम कर रहे हो ये इलीगल है? तुम भोसड़ी वालों को ये क्यों समझ नहीं आता कि अपनी यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम चैनल का लिंक देना गलत है, और वो भी उस चैनल का लिंक देना जहाँ पे BGMI की ID परचेज या सेल होती है, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, वो भी गलत है। और उसके अलावा भोसड़ी वाले, उस चैनल पे तुम चीप से चीप UC दिला रहे हो, जो कि आता है कार्डिंग के अंदर, जो कि होता है क्राइम। लेकिन तुम नादान मूर्ख बच्चों को सिर्फ दिखता है कि पैसा, और थोड़े से पैसों के लिए तुम ऐसी इलीगल चीज़ें प्रमोट कर देते हो, और प्रमोट करने के बाद जब टेंसेंट वालों को, क्राफ्टन वालों को तुम्हारी हरकतें पता चलती हैं और वो तुम्हारी गेंद पे 15-20 स्ट्राइक फेंक के मारते हैं, तब तुम्हारा मुंह हो जाता है गांड जैसा, और तुम एक बढ़िया सी, मतलब एक अति बढ़िया सी रंडी रोने वाली वीडियो, उसके पीछे इमोशनल बैकग्राउंड लगा के आ जाते हो। गाइज गाइज, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, गाइज देखो मेरी BGMI की वीडियो तक पे स्ट्राइक आ गई। अरे भोसड़ी वाले, तुमको ये समझ क्यों नहीं आता कि ये सब तुम चुतिया करते हो, इसीलिए तुम्हारा चैनल डिलीट होता है। इस चूतिए क्रूजर ने किया है, इसका चैनल भी अब जाने वाला है। खैर, इसने स्टोरी पे लगाया है तो शायद इसका चैनल ना जाए, लेकिन आज के बाद मेरे को पता चला कि इसने ऐसे कुछ काम वीडियोस में भी किए हैं, तो इसका चैनल 100% जाएगा। यही सेम सीन हुआ है अभय गेमिंग के साथ, यही सेम सीन हुआ है YT ऋतिक के साथ। ये सब कुछ पैसों के लिए स्टोरीज़ को प्रमोट करते हैं, अपने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर लिंक प्रोवाइड करवाते हैं। फिर कुछ, आपको भी पता है कि आप एक वीडियो डालोगे तो आपकी मेजोरिटी जो ऑडियंस होती है वो 10 से 12 घंटे में वीडियो देख लेती है, तो ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। 10-12 घंटे तक वो वीडियो के अंदर वो लिंक रखते हैं और उसके बाद लिंक हटा देते हैं। जैसे कि क्राफ्टन वाले चूतिया है ना भाई, वो तो पहली दूसरी कक्षा के बालक हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होगी तुम ऐसे कांड करते हो। लेकिन जब कोई तुम्हारी रिपोर्ट करता है तो तुम हारे ऊपर पूरी नज़र रखी जाती है। अभय गेमिंग के चैनल के साथ भी यही हुआ, उसका चैनल टेंसेंट वालों ने स्ट्राइक दे दे के क्यों उड़ाया, उसके पीछे भी यही रीज़न है, इलीगल चीज़ें प्रमोट करना। YT ऋतिक का चैनल क्यों उड़ रहा है, क्यों उसके चैनल पर स्ट्राइक आई है, उसका भी रीज़न यही है कि आप ऐसी इलीगल चीज़ें प्रमोट कर रहे हो जो कि BGMI के सेंस में इलीगल है, क्योंकि BGMI के अकॉर्डिंग कार्डिंग तो खैर एक बहुत बड़ा क्राइम है, वो तो आप उस चीज़ के थ्रू प्रमोट कर ही रहे हो। उसके अलावा ID सेल, खरीदना बेचना ऐसे अकाउंट का प्रमोट करना, जो कि BGMI के रूल्स के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, तो तुम पे स्ट्राइक पड़नी चाहिए ना। तो मेरे नादान चुन्नू मुन्नू बाड़को, जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, समझ जाओ, ऐसा कुछ प्रमोट करोगे तो तुम्हारा चैनल जाएगा। फिर तुम चाहे मुँह गेंड सा कर लो, चाहे कैसा भी कर लो, अगर इलीगल चीज़ें कुछ पैसों के लिए प्रमोट करोगे तो तुम्हारा कितना भी बड़ा चैनल हो वो 1000% उड़ेगा। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि ऐसे जो आप थोड़े से पैसों के लिए, आपका बहुत बड़ा चैनल आपको कोई पैसे दे रहा कि ले भाई इतने सी चीज़ों के लिए मैं आपको इतने रुपए दे रहा हूँ, अब मेरी ये चीज़ प्रमोट कर दो, तो बेसिकली उसके पीछे देखो तो सही कि वो किस इंटेंशन से आपको पैसे दे रहा है। आप जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो वो कहीं इलीगल तो नहीं है? ये सब चीज़ों का आप जब तक ध्यान नहीं रखोगे, तब तक इन्हीं छोटी छोटी गलती की वजह से आपका चैनल उड़ता रहेगा और आपके रंडी रोने वाली वीडियो आते रहेंगे। इतना ही था वीडियो में। जय राम जी की।